Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. So kaise sab log, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है कैंडल वैक्स रीडिंग. और आज के रीडिंग में हम देखेंगे गाइज कि आपके पर्सन कितना हद तक आपको चाहते हैं, ठीक है, और उनके इंटेंशंस क्या है, उनके इरादे क्या है, क्या उनके इरादे नेक है, क्या उनके इरादे में कुछ खोट है. इस तरह से हम रीडिंग को देखेंगे. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन. आप जो स्केच देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक मैन और वुमेन के एक साथ गठबंधन दिखाया है, जहाँ पे हम ये मैनिफेस्ट जरूर करेंगे इस रीडिंग में कि आप दोनों का जो गठबंधन है ऑफ कोर्स वो बना रहे, ओके. उसमें कभी भी कोई भी चीज का इविल एनर्जीज का इंटरफेरेंस ना हो. सो उसी पॉजिटिविटी के साथ हम शुरुआत करते हैं. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके पार्टनर किस हद तक उनको चाहते हैं, क्या फील करते हैं, क्या उनके इरादे नेक है. यूनिवर्स प्लीज बताइए. यहाँ पे ना मुझे सही में एक पत्ता दिखाई दे रहा है. आई डू फाइंड द ग्रीन लीव्स ओवर हियर. यहाँ पे पत्ते मतलब क्या है, तो सपोज एक सूखे पेड़ है तो उसमें से तो कोई जीवन, मतलब जैसे बोला जाता है ना जीव उसके अंदर है, बट सूख जाता है, मर जाता है, तो उसमें क्या है, तो उसमें कोई जीवन का आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते. इसमें मुझे एक पत्ता दिखाई दे रहा है क्लियरली एज अ लीफ. मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितनी भी तूफाने आ जाए, चाहे किसी ना किसी का रोक तो जो भी हो, बट आप दोनों की जो रिश्ता है, ठीक है, ये सलामत हमेशा रहेगा विद अ फर्टिलिटी विद अ ग्रोथ. ओके, आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे ना आप लोग के रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है. मे बी उनके मम्मी पापा, मे बी उनके खानदान में कोई ऐसा, या आपके खानदान में जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के साथ रिश्ता हो. देखो यहाँ पे इस अलादीन के चिराग के जैसा यहाँ पे जो है ना वो लैम्प आया है, जिसको घिसने से कभी भी, ठीक है, किसी का भी ख्वाब पूरा हो सकता है. सो विश बिकम्स फुलफिल्ड. इट्स लाइक अ ट्रॉफी हो सकता है, एक पॉट हो सकता है, जिसको घिसने से, वो जब उसको घिसते थे ना तो ही उसका जो मतलब जो भी उसके इच्छाएं थे वो सब कुछ पूरा होता था. तो आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है. ओके, सो ये इंसान भी ऐसे ही चाहते हैं, मैं नहीं बोलूंगी कि ये नहीं चाहते हैं. और ये अगर हम इस तरह से देखें ना तो ये एक टेलीफोन की आकार भी ले रहा है. बहुत पहले ज़माने में जो टेलीफोन यूज़ किया करता था, ओके, नाउ इट्स बिकम डिजिटल, बट पहले ज़माने में जो डायल करके करते थे, आपको याद है ना. तो ये इंसान की कॉल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं अगर वो बहुत दिन से आपको कॉल नहीं कर रहे हैं. सो यस, यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम देम. बहुत ही सुंदर तरीके से ये रीडिंग शुरू हुआ है. यहाँ पे स्कॉर्पियो आ रहा है. वृश्चिक राशि आपके पर्सन हो सकते हैं, वृश्चिक, कर्क या मीन राशि हो सकते हैं. काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे जो भी आपको हासिल करना चाहेंगे या जो भी उनके और आपके बीच में आना चाहेंगे ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी डंक मार सकते हैं. मैं आपको बता रही हूँ जो स्कॉर्पियन होते हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली वेरी फेथफुल. उनके नेचर अगर अनुसार हम देखें, यहाँ पे मैं नहीं बोल रही कि आपके पर्सन की सन साइन जोडिया के मून साइन स्कॉर्पियो है, हो भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो अपने पार्टनर के लिए काफ़ी फेथफुल होते हैं, जस्ट लाइक कैंसर. बट अगर उन्होंने देखा कि किसी ने उनके पार्टनर को उनसे छीनने की कोशिश की तो वो नहीं छोड़ेंगे उनको, ओके. तो वो किसी भी हद तक क्रॉस करते हैं कोई भी लिमिट. यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान का फिलहाल इंटेंशन इस तरह से है कि रजाई में आप दोनों एक साथ हो, ठीक है, बिकॉज दे हैव दिस काइंड ऑफ वेरी, यू कैन से, इंटीमेट फीलिंग्स राइट नाउ, कि
कि आप दोनों एक साथ हो जाओ, अभी आ जाओ आप इनके बेड में. इट्स लाइक दैट रोमांटिक केमिस्ट्री विच इज पॉपिंग अप. ठीक है, जिस तरह से पॉपकॉर्न पॉपअप होता है ना, उस तरह से उनके मन में, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि वो चाहते हैं कि चलो आ जाओ. राइट नाउ वी शुड स्पेंड टाइम. ठीक है, बहुत अच्छे समय बिताते हैं, चलो आओ, कम बैक, कम. इस तरह से हम करते हैं. ठीक है, तो वो अगर आपको ये फोन भी करते हैं, अगर आप कॉन्टेक्ट में भी हो, तो लेट नाइट आपके साथ कुछ नॉटी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो महसूस होता है, लेकिन क्या करें, इस इंसान की आदत इस तरह से है. इनके इंटेंशन हम फिर से देख लेते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी गुड इंटेंशन, राइट. यहाँ पे मुझे इस पर्सन को हाय, मतलब यस आई हैव वन, मतलब मैंने आपको जीत लिया, देखो मैंने आपको हासिल कर लिया, इस तरह से मुझे दिख रहा है. आप देखो इस तरह से दो हाथ से करते हैं ना, यस वी हैव डन इट. ठीक है, इस तरह से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर इस रिश्ते को छुपा रहे थे, ठीक है, पब्लिकली वो एक्सपोज नहीं करना चाहते थे इस रिलेशनशिप को, किसी को भी बोलना नहीं चाहते थे आप दोनों के संबंध के बारे में, मुझे लग रहा है ये इंसान के अंदर अवेयरनेस आ रहे हैं कि क्यों नहीं, उन्होंने तो कोई गलती नहीं किया ना, ना आपने गलती किया है प्यार करके या संबंध रख के, तो वो पब्लिकली क्यों नहीं बोलेंगे, वाई शुड नॉट दे अप्रोच, ठीक है, टूअर्ड्स यू. मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन आपको शायद बोले हैं कि हाँ मैंने मम्मी पापा को बोल दिया है, लेकिन उन्होंने ये सीक्रेट ज़रूर रखा है कि आप कौन सा खानदान से बिलोंग करते हो, या आप कहाँ के हो, आपका बेसिकली किस तरह का जॉब है, वो सब कुछ उन्होंने अपने फैमिली से हाइड किया हुआ है. आई डू फाइंड यहाँ पे एक अगर आप इस तरह से देखो ना, यहाँ पे मुझे एक रूस्टर, मतलब हेन, मतलब चिकन का जो मेल पार्ट है, ठीक है, वो आ रहा है. मतलब उनके अंदर जिस तरह से बोला जाता है ना कि चेतना, जिस तरह से उनकी अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से उनके लिए अलर्ट आ रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, बेटर अगर आप इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो आप खुल के दुनिया के सामने इस बात को लेके आओ. मुझे लग रहा है आपको, आपका दो रिश्ते में आप बीच में सैंडविच हो चुके हो, ना आपको पता चल रहा है इस इंसान को सिलेक्ट करना है, ना आपको पता चल रहा है इस इंसान को सिलेक्ट करना है, बट आपकी जो चाहत है मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ, मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ सबसे ज़्यादा आपका इंक्लिनेशन है, सबसे ज़्यादा आप इसी इंसान को पसंद करते हैं. रियली ओके. आपके मन में, मतलब आपने अल्टरनेटिव्स रखा है, ठीक है, कोका कोला थम्स अप आपने रखा है, राइट. नाउ यू डोंट हाइड लाइक दैट दैट यू हैव. हाँ, मे बी सब लोग के लिए नहीं, मे बी आपको कोई चाहता है और आप इन्हीं को चाहते हो, ये भी हो सकता है. देयर इज अ ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म्ड. आप उनको चाहते हो लेकिन कोई आपको चाहता है. लेकिन जो आपको चाहते हैं आप उन्हीं को नहीं चाहते हो, और जो आपसे पीछे जाने की कोशिश करते हैं वो आप उनके पास आने की कोशिश कर रहे हो. आपके पर्सन की फीलिंग्स पहले से ज़्यादा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है. नाउ आप उनके जो सॉफ्टर साइड है आप धीरे 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 देखोगे, और ये इंसान भी अपने जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, एटीट्यूड्स है, ठीक है, आपके तरफ, मतलब इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होता था तो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स करते थे, चाहे आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप इन्हें, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके ऊपर ब्लेम दिया देते थे, ठीक है, आप ही जिम्मेदार हो, आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से इतना प्रॉब्लम्स है, वरना तो इतना कहाँ था, आपके वजह से मैंने अपने परिवार को छोड़ा, आपने मेरे लिए क्या किया, तमाम घटनाएं, ठीक है, आपके ऊपर इल्ज़ाम दिया करते थे इंसान. सो दिस पर्सन हैड एक्यूज्ड यू बेसिकली. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इवन ऐसा भी हुआ कि आपके साथ बात भी नहीं की आपके बर्थडे के दिन, और किसी और के साथ फ़ोन में लग गए. उनको याद भी नहीं था आपके बर्थडे है, उनका याद भी नहीं था कि आपकी एनिवर्सरी है, और उन्होंने आपके साथ ऐसा किया. करेंटली ये सब कुछ चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं जब वो एक दिन बैठे थे, ठीक है. मुझे लग रहा है कि रिसेंटली उनका रियलाइजेशन और भी तेज़ हो रहा है, क्योंकि शायद सिमिलर घटनाएँ उनको एक्सपीरियंस हुआ.
एंड यू फाइंड स्टिल क्लाउड्स आर देयर, अभी भी उनके मन में कुछ एंग्जाइटी है, कुछ ऐसा है जो क्लियर अभी तक नहीं है, आपको काफ़ी मिस्टीरियस तौर से देखते हैं, मतलब आपके जो एटीट्यूड है या आपके जो बिहेवियर है या आप जिस तरह से एक्सप्रेस करते हो ना, उनको लगता है कि ये इंसान कैसे है, मैं इनके साथ पूरी ज़िंदगी क्या बिता पाऊँगा, क्या बिता पाऊँगी, ठीक है, ये क्या मेरे साथ एडजस्ट कर पाएंगे। स्टिल दे हैव सर्टेन डाउट्स, यहाँ पे फिश की फिन्स आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये इंसान जानते हैं कि आप उनके लिए लकी चार्म हो, बिकॉज फिशेस यहाँ पे लकी चार्म माना जा रहा है, इसको यहाँ पे दिखने में आ रहा है दिस इज लाइक अ डॉल्फिन, इट्स नॉट अ फिश, बट हाँ आप एक सिंबल हो खुशी का जो वो मानते हैं, यू आर जस्ट लाइक अ डॉल्फिन टू देम, क्वाइट प्रिटी, क्वाइट क्यूट, क्वाइट प्लेफुल एनर्जी, हंसी मजाक करना, यंग, जैसे आपके हर्ट हमेशा है, चाहे आपकी एज जितना भी हो, आपने उनको खुशी देने की हमेशा कोशिश किया। वाह, यहाँ पे देखो जैसे मैंने बर्थडे बोला है, यहाँ पे देखो कैंडल विद अ केक, और यहाँ पे है दो कपल, देख लो आप खुद, यहाँ पे है कपल, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस बार आपके बर्थडे बहुत ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, या आप करोगे उनके बर्थडे, मे बी उनके बर्थडे के दिन आप उनके पास पहुँच जाओगे और आप उनको सरप्राइज दोगे, ये सरप्राइज उनको बहुत पसंद आएगा, एंड दिस इज़ लाइक अ राउंड केक एंड डेफिनेटली टू टायर केक तो मिनिमम है यहाँ पे, आप उनके साथ कुछ प्राइवेट बुकिंग्स भी कर लोगे, ओके इस तरह से मुझे दिख रहा है, या ये इंसान करेंगे आपके लिए, अपने ही बर्थडे का ट्रीट आपको कुछ ज़रूर देंगे। ओके सो देर आर लॉट ऑफ साइंस विच आर पॉपिंग ओवर हियर, जैसे है यहाँ पे यस दिस इज़ द वर्गो, दिस इज़ द कन्या राशि यहाँ पे है, यहाँ पे है मिथुन राशि, यहाँ पे है ओके कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो तो है ही, ओके टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है, ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हैं एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके सेवेंथ हाउस में, आपके नाइन्थ हाउस में और आपके ट्वेल्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न है, या राहु आपके सेवेंथ हाउस में, नाइन्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में है। इंसान बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ज़िद्दी है, और कभी कभी गुस्से में ना उनका फेस देखो कभी लाल हो जाता है, और तभी समझ लेना या कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे ना, तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। इंसान किसी लेडी के चक्कर में है, जो लेडी उनको नहीं छोड़ रही है, झांसे में रखी है ये इंसान उसको, एंड डेफिनेटली आई डू फील कि रिपीटेड उनको बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आता है कि आप मेरे तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हैं, मुझे पता लगा है कि आप किसी और के साथ चक्कर चला रहे हैं, वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, इस तरह से ये इंसान, ये लेडी जो है इनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हुए दिखाई दे रही है, एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ सीक्रेट, ये आपके साथ शायद कुछ ही समय के अंदर शेयर करेंगे, वो इंसान, वो जो भी लेडी है वो लो प्रोफाइल की है, ठीक है, वो कोई भी डिवोर्सी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, इनकी भाभी हो सकती है, कोई इस तरह से नाजायज रिश्ते हो सकते हैं, स्पेशली फॉर मेल आई टू फाइंड लाइक दैट, ठीक है, इनकी दूर की रिश्तेदार है, ठीक है, जिनको लोगों को शक नहीं होगा, ये इनके घर में आते जाते हैं, मे बी आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है, इनका बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया लेकिन आपके बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया है, ये भी बहुत बड़ा बात है। ओके देखते हैं और इस इनके इंटेंशंस क्या है, यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए इनके इंटेंशंस क्या है। एक स्पार्कलिंग वाइन की तरह, जिस तरह से वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, दिस इज अ शैंपेन, जिस तरह से कभी भी सेलिब्रेशन होता है तो शैंपेन डेफिनेटली ओके होता ही है। ऑल राइट सो आपके पर्सन हमेशा ना यही प्रॉब्लम रहा है कि हमेशा आपको एक ऐसी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस माना है, मतलब जब भी उनको खुशी की ज़रूरत था, जब भी उनको आपके साथ कुछ शेयर करना था तभी उन्होंने आपको अहमियत दिया, और जब उनको नहीं चाहिए था, जब उनको एंजॉयमेंट नहीं करना था आपसे, तो ये मूव ऑन कर गए तब से। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शादी का बात इसलिए टाल रहे थे क्योंकि उनको तब आपको कमिटमेंट नहीं देना था, चाहे हजारों बार आपने रिक्वेस्ट किया होगा इन्होंने नहीं माना है। अभी ये देखो, ये इंसान इस बॉटल से
पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये बॉटल को कोई पकड़ नहीं रहा है, मतलब उनको ऐसे ही पीना पड़ रहा है पानी। ठीक है, सो दिस इज द ट्रेजेडी ओवर हियर, कि ये इंसान जो है ना अभी अपने कर्मों के लिए, डेफिनेटली दिस पर्सन इज सफरिंग, इनको ही बहुत ज्यादा खराब लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। देखते हैं फिर इंटेंशंस क्या है, किसी के घर के आसपास, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट आपका पोजीशन है इंडिया का, मुझे लग रहा है मलबेरी ट्री, सिल्क वॉर्म, उस तरह के पेड़ आपके आसपास होंगे। मलबेरी ट्रीज का मुझे हिंदी नहीं पता, आप लोग प्लीज सर्च कर लेना गाइस। ओके, सो व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन, यूनिवर्स प्लीज बताइए। इनके देखो जिस तरह से आंसू गिर रहे हैं ना आपके पर्सन के, अभी आंसू गिर रहे हैं बहुत ज्यादा। फिर से पेड़ हुआ यहाँ पे, देखो फिर से पेड़ हुआ, कैन यू सी दैट? ओके, तो इनके इंटेंशंस क्या है? द ट्री व्हाट इट सिग्निफाइज, हमेशा पेड़ जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? एक शेल्टर, फैमिली, ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है, कहीं ना कहीं पे फैमिली कनेक्शंस, ऑल दोज पीपल एक्सेप्टिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, तो यही है। तो उनके इंटेंशंस क्या है आपके साथ? इस तरह का जो पेड़ है इसके नीचे, आपको पता ना एक कार्ड में, मेरे पास जो एक कार्ड था 10 of Cups के नीचे एक कपल आराम से बैठे, उनके बच्चे भी खेल रहे हैं, उस तरह का दृश्य मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। आई डू फाइंड यू लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ विद दिस पर्सन, ये इंसान आपको अपनी जिंदगी का डेफिनेटली हिस्सा बनाना चाहते हैं, इनके इंटेंशंस यही है। बिकॉज लास्ट में ही मैं देखने वाली थी कि क्या शेप आता है, और यहाँ पे आया दिस इज अ ट्री। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज कि इस इंसान की जो फितरत है धीरे 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 रियलाइज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अभी भी आपके पर्सन जो है कमिटमेंट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि टपक से आके दे देंगे, बट येस दिस इज देयर ड्रीम, ये उनका सपना जरूर है। प्लीज, बट एक चीज डिपेंड करता है, क्या आप उनको माफ कर पाए हो पहले से? प्लीज बताइए यूनिवर्स, रिलेशनशिप के बारे में प्लीज बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, रिमेन पॉजिटिव। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं देखो पेड़ फूल यहाँ पे देखो इस तरह से है, सो रिमेन पॉजिटिव, आपको हमेशा, ठीक है, सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक नहीं। तो कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे आप हमेशा बोलते हैं सकारात्मक सोचने के लिए, तो मैं क्या नकारात्मक सोचने के लिए बोलूं? मैं क्या बोलूं? बींग अ मोटिवेटर, बींग अ स्पिरिचुअल पर्सन, व्हाट शुड आई से? आई शुड से टू रिमेन नेगेटिव, देन दिस इज नॉट फॉर यू गाइज। सकारात्मक ही सोचना है, अगर मैंने सकारात्मक नहीं सोचा होता तो देन आई वुड नॉट हैव क्लियर्ड माई मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, ओके, ऑफ इंडिया, दैट इज UGC नेट, मैं नहीं कर पाई होती फिर। अगर मुझे लगता कि 14 लाख लोग एवरी ईयर दे आर गिविंग एग्जाम्स एंड मैं वहाँ पे कहाँ पे हूँ, ठीक है, सब लोग ऐसे MBA कर लेते हैं, सब लोगों को MBA में अच्छा स्कोर्स ही आता है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं कहाँ पे हूँ? वो तो सब लोग अच्छा ही करेंगे ना एंट्रेंस में, फिर कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे, फिर सब लोग के पास आंसर्स होगा। तो उतना अगर मैं सोच पाया, सोचने से ओवर थिंकिंग इज अ नेगेटिव एटीट्यूड, हमेशा सकारात्मक ही आपको सोचना है, आपके इंटेंशंस राइट होने चाहिए। एक बार अगर आपका इंटेंशन है इस इंसान के प्रति, और फिर दूसरे बार इंटेंशन है दूसरे किसी इंसान के प्रति, तो वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ कन्फ्यूजन। सो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, अगर आप इस रिश्ते को दिल से, ठीक है, चाहते हो, ठीक है, आप उस यूनिवर्स को से उनको मांग रहे हो, ठीक है, अगर वो, हाँ ये एक बात होता है कि लक है, अगर वो इंसान आपकी किस्मत में है तो भी आपको मिलेगा, अगर वो इंसान आपकी किस्मत में नहीं है तो उससे बेटर इंसान मिलेगा। पीपल विल गो फ्रॉम योर लाइफ, बेटर पीपल विल एंटर इन योर लाइफ, यही होता है सकारात्मक सोच। अगर हमारी जिंदगी से कोई ऐसे इंसान चले गए, ठीक है, और उनका आने का कोई संभावना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना लाइफ को फिनिश कर देंगे। वाई? वाई फॉर दैट पर्सन, जिसके जिन्होंने हमारे लिए कभी भी केयर नहीं किया? नो, सो वी हैव टू बी पॉजिटिव कि बेस्ट इंसान ही हमारे लाइफ में आएंगे, एंड वी डिजर्व दैट, हम डिजर्व करते हैं वो चीज, ठीक है। डोंट स्टॉप,
आप अपना काम बंद मत करो किसी के लिए, यू बी इन योर वे, ठीक है, आप अपने रास्ते चलो, देखो क्या होता है, ठीक है, यू डोंट स्टॉप फॉर एनी वन. ओके, फॉरगिवनेस, मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड भी करता है रिलेशनशिप में कि आपने उनको कितना माफ कर पाए हो. मुझे लग रहा है कुछ ट्रेजेडी जरूर हुआ है, ठीक है, हमारे लाइफ फिल्ड है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी से. इस रीडिंग के बाद आप 2020 जरूर देखोगे. कुछ लोग रोमांस, यस, ये रिलेशनशिप डेफिनेटली रोमांटिक कनेक्शन है, डेफिनेटली यू नीड टू वेट, वेट है, रिमेन पॉजिटिव है आपको. तो अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे इस इंसान के लिए वेट नहीं करना है क्योंकि मुझे अच्छा फीलिंग्स नहीं हो रहा है, मेरा इंट्यूशन ठीक नहीं बोल रहा है, सो डोंट वेट, माफ करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो. लेकिन अगर आप इस इंसान को, ऐसा बोला जाता है ना कि हम कुछ चीज़ें चाहते हैं, ठीक है, पूरी सल्तनत उसे हमें मिलाने की साजिश करते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो. मैंने इंटेंशन लिया, मैं आपको दूंगी, ठीक है, गाइडेंस दूंगी, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो मेरा इंटेंशन है और मेरा इंटेंशन यूनिवर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है. उस तरह के इंटेंशन, मतलब आप को इस इंसान से लगाव है, अटैचमेंट है और आप समझ भी पा रहे हो, यू आर क्वाइट मैच्योर कि इंसान भी हाँ मेरे तरफ है अट्रैक्टेड, सो यू शुड गो फॉर इट. अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. वेट करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं तो यूनिवर्स के बात आपको सुनने चाहिए, सो प्लीज वेट. और सकारात्मक हमेशा मैं बोलूँगी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ. ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस. थैंक यू गाइज एंड लव यू लॉट एंड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ. थैंक यू.